पूरा विपक्ष है जब कह रहा है कि बैलेट से चुनाव हो, तो ये कौन सी जबरदस्ती है कि आप ईवीएम से कराना चाहते हैं? पूरा भारत जो है परेशान है जो कि ईवीएम चक्कर में, अगर उसको कंट्रोल किया जा सकता है तो मुझे लगता है ईवीएम कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। नमस्कार, तरुण मित्र में स्वागत है आपका। आज का जो मुद्दा है, मुद्दा महत्वपूर्ण है, वैसे तो रोज का ही महत्वपूर्ण होता है, आज का कुछ ज्यादा है क्योंकि चुनाव से आपसे हमसे जुड़ा हुआ है मुद्दा। ये ईवीएम, लगातार ये बातें आती हैं, लोग कहते हैं कि ईवीएम में खेला होता है, सत्ता पक्ष कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है। अब जो हमारी जनता है वो क्या सोचती है, बस इसी पे बात करेंगे। चलिए, अच्छा ये बताइए, पूरा विपक्ष है जब कह रहा है कि बैलेट से चुनाव हो, तो ये कौन सी जबरदस्ती है कि आप ईवीएम से कराना चाहते हैं? समय बचता है भाई, है समय बचता है। मोदी जी का बयान है ना, उन्होंने कहा था कि ये भी पूरी दुनिया में, अमेरिका में, जापान में, हर जगह जो है ईवीएम से बैलेट से चुनाव होता, तो भारत में ईवीएम से क्यों हो रहा है? जब कांग्रेस की सरकार थी तो मोदी जी ने खुद ये बात कही थी कि ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए, पूरी दुनिया में जो है बैलेट से चुनाव होता है। तो निश्चित रूप से जिस पर, जब लोकतंत्र है, जहाँ पर चुनाव जो है पारदर्शिता का मामला है, विश्वास का मामला है, जब पूरा विपक्ष आरोप लगा रहा है कि ईवीएम से चुनाव नहीं हो, तो बैलेट से चुनाव हो जाना चाहिए। अभी जो है जहाँ भी चुनाव होता, विधानसभा में वोट पड़ता है, वोट पड़ता है कि नहीं पड़ता है? लोकसभा में मतदान होता तो वोट पड़ता है, तो जनता में क्यों नहीं वोट पड़ना चाहिए? विधानसभा में वोटिंग होती है, बाकायदे मत पत्र डाले जाते हैं, जहाँ भी शक्ति परीक्षण होता है मत डाले जाते हैं, मशीन से नहीं, तो जनता में बैलेट से चुनाव हो तो क्या दिक्कत है? लोग कह रहे हैं ईवीएम से बड़ा घोटाला हो रहा है, खेला हो रहा है, सही है? सही बात है, जो है पूरा भारत जो है परेशान है जो कि ईवीएम चक्कर में, बैलेट पेपर से अगर मतदान हो, सब सब का औकात मालूम हो जाएगा। पूरा गरीब देश परेशान है, यहाँ के लोग, गरीबों को कुछ मिलवार नहीं है, यहाँ पर कटोरा लेकर मांग रहे हैं भीख, जहाँ की राजधानी दिल्ली तक मैंने पता किया, दिल्ली में कटोरा लेकर भीख मांग रहे हैं। लोगों ने कहा कि ईवीएम से ऐसा कुछ है नहीं, वो मशीन है, टाइम बचता है, पेपर से बड़ा टाइम लग जाता रहा। हाँ, तो बिल्कुल सही बात है, पेपर जो है, पेपर से टाइम तो नहीं लगता, लेकिन सही होगा, लेकिन सही सही टाइम लगेगा, लेकिन काम सही होगा ना? हाँ, तो काम सही नहीं है, नहीं। कुछ तो खेला है। हाँ 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 हाँ, वो तो ये है, लोग कहते हैं खेला है तो दिल्ली कैसे जीत गए? अरे अगर ले लेंगे तो सब कहेंगे कि फर्जी हो रहा है। मतलब क्या बोले आप, नहीं क्यों हो रही है, हम कहते बैलेट पेपर से। देखिए, अभी मुझे लगता है कुछ दिन इन द सेंस, मुझे लगता है 3-4 दिन पहले पूरे हिंदुस्तान का एकदम से इंस्टाग्राम और फेसबुक हैक हो गया था, और 4-5 घंटे 6 घंटे के लिए यूजर्स परेशान हो गए थे। तो अगर फेसबुक इंस्टाग्राम, जो अलग अलग लोगों की अलग अलग आईडीज़ हैं, अलग अलग लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं, हर आदमी ने अलग अलग तरीके से पासवर्ड डाल रखा होगा, अलग तरीके से अपनी यूज़र आईडी बनाई होगी, अलग अलग तरीके के, अलग अलग किस्म के मोबाइल से इस्तेमाल कर रहा है, अलग अलग नेट से इस्तेमाल कर रहा है, तो अगर उसको कंट्रोल किया जा सकता है तो मुझे लगता है ईवीएम कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। पते की बात किया इन्होंने, ये बहुत टेक्निकल बात है, और अगर इस पर हैकिंग हो सकती है, अगर हम चंद्रयान को ऊपर भेजते हैं और उसको हम इसरो एक केंद्र से बैठ करके उसको हम कंट्रोल करते हैं कि वहाँ की तस्वीरें ले आए और वहाँ क्या क्लाइमेट कैसा है, वहाँ जीवन है या नहीं है, वहाँ सतह कैसी है, वहाँ पे तमाम जो घर्षण और बल्स हैं, जो भौगोलिक रूप से इंसान के लिए ज़रूरी चीज़ें हैं, वो वहाँ क्या है क्या नहीं है, उसके बारे में रिसर्च करने के लिए हम यहाँ से भेजते हैं। बहुत सारे प्रयोग हुए हैं, हमने ही नहीं भेजा, अन्य देशों ने भी भेजा है। अगर उन सब चीज़ों को एक जगह से व्यक्ति विशेष कंट्रोल कर सकता है या एक टीम कंट्रोल कर सकती है, तो ईवीएम एक ऐसी मशीन है, उसका भी कहीं ना कहीं पदार्पण हुआ होगा, कहीं मैन्युफैक्चरिंग हुई होगी, कोई प्रोग्रामिंग हुई होगी, उसके अंदर कोई चिप लगी होगी, कोई मेमोरी कार्ड लगा होगा, कोई कंट्रोलिंग पावर होगी। अगर वो कैसे कंट्रोल हो रही है, मैंने भी 2-3 बार काउंटिंग कराई,
तो पूरे दिन 24 घंटे ईवीएम मशीन बैटरी पे काम करती है और उसके बाद वो ऑफ करके रख दी जाती है और एक महीने बाद काउंटिंग होती है और फिर वही मशीन जब ओपन करी जाती है, जब वो टेबल पे काउंटिंग के टाइम पर ओपन होती है तो उसी की बैटरी 100% शो करती है। मतलब कहीं ना कहीं खेला बिल्कुल 100% लोचा है। और मैं कहता हूँ जो भी पढ़ा लिखा है, पढ़ा लिखा नहीं, जो गाँव में खेत पे किसान काम करता है, जो मेड़ पे बैठता है, जो पांचवी फेल है, वो भी कहता है कि खेल है। बिल्कुल ईवीएम में खेला है। जो 19 में इलेक्शन हुआ था उसमें जो मैच किया गया था तो काउंटिंग और वोटिंग उसमें 375 सीट में डिफरेंस मिस मैच हो रहा था और कुछ सीट में जो मैच था वो 10,000 तक का था। अच्छा जी, तो ये तो कार्रवाई तो नहीं हुई? कोई कार्रवाई नहीं की इन्होंने, कुछ किया नहीं। जीत तो कहें जीत, अब कुछ हो नहीं सकता। अरे तुम बताओ तो लोगों को कि जो 375 का मिस मैच हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में कहा था कि 100% वीवीपैट में पर्ची लगनी चाहिए, 3,000 करोड़ का खर्चा, आज 10 साल हो गए इन्होंने क्यों नहीं लगाए। जब आप 36 वोट का चोरी कर सकते हो तो 90 करोड़ का वोट का क्यों नहीं चोरी कर सकोगे? जब 36 चंडीगढ़ में 36 वोट में आप चोरी कर लोगे तो ये इम्पॉसिबल है कि 90 करोड़ में आप क्या क्या करोगे, किस हद तक जाओगे। दूसरी बात, जो उनके डायरेक्टर हैं वो 4 हैं, ये तो है होता ही नहीं है। इलेक्शन कमीशन से पूछा गया था, वो बोले ये तो गलत है, एकदम सीरियस मैटर है कि जो डायरेक्टर 7 हैं उसमें 4 जो है बीजेपी के हैं, मनसुख भाई, शिवनाथ, डॉक्टर पार्था और श्यामा सिंह, और 3 अलग है। तो जो कोड होता है सोर्स कोड वो इंजीनियर बनाता है और इंजीनियर डायरेक्ट के अंडर में है। जो 2000 लोग बोलते हैं 2014 में भी होता, ये कांग्रेस लाई थी तब जो है रीप्रोग्रामिंग चिप नहीं होता था उस टाइम। उस टाइम के जो ईवीएम थे उसमें रीप्रोग्रामिंग चिप नहीं होता था, आज वो चिप लगाया गया, इसे हैक हो सकता है। 2009 में जो जीती थी कांग्रेस उसके लिए आपका, हाँ उसके लिए कह रहे हैं, तब जो ईवीएम था उसमें रीप्रोग्रामिंग चिप नहीं था। अच्छा। और अब जो है इसमें रीप्रोग्रामिंग चिप भी है तो यह हैक भी हो सकता है। और जब आरटीआई में मनोरंजन देव 2018 में बीएल में और जो दूसरा है कंपनी आईसीआर उसमें डाला कि आप बताइए कि ईवीएम कितना आपने भेजा, तो उन्होंने बताया हमने 20 लाख भेजा, उन्होंने भी बताया हम 20 लाख भेजा। फिर इलेक्शन कमीशन से पूछा तो इलेक्शन कमीशन बोला मेरे पास तो 20 लाख आया, तो जो 40 लाख तो हो गया 20 लाख और इलेक्शन कमीशन के पास 20, तो 20 लाख ईवीएम कहां गया ये जनता पूछ रही है। मतलब कहीं ना कहीं खेला है, खेला बहुत बड़ा है इसमें, क्योंकि आप जब आप बताइए और उसके बावजूद 1,66,000 वोट हटा दिए गए लिस्ट से, वो किसके वोट थे ये भी बताएं। तो पूरा अब विपक्ष इसमें बात नहीं कर रही है, विपक्ष को इसमें बात करना ही बहुत बड़ा सीरियस मैटर है। बैलेट पेपर कराएंगे और इंडिया 100% जीतेगा, 19 में भी जीता था इंडिया, एकदम होता है, होता है। आप बताइए, मैं आपके मोबाइल में पैसा भेजना चाहूँ तो आपके नंबर पर भेज सकता हूँ कि नहीं भेज सकता हूँ? हाँ तो तू पैसे वाला सॉफ्टवेयर हो गया ना, ये तो काउंटिंग का है। अभी अभी हरियाणा में चुनाव हुआ है मेयर का, वो वार्ड मेंबर ही लड़ रहा है, वो कह रहा है कि मैं बटन दबा रहा हूँ हाथी पर, कमल का वो बटन तब तक दबा रहा जब तक अधिकारी देख न लिए, अब वो जा रहा था भाजपा पर वोट। फिर इसके बाद मध्य प्रदेश में एक चुनाव विधानसभा का चुनाव हुआ, उसमें कैंडिडेट कह रहा है कि मैं मानता हूँ कि मुझे समाज वोट नहीं दिया, मैं ये भी मानता हूँ कि मेरे बाल बच्चे भी नहीं दिए, लेकिन मेरा तो वोट था तो मेरा वोटवा कहाँ गया, मेरे परिवार का नहीं तो मेरा तो वोटवा मिलना चाहिए। तो इसका मतलब है कि ईवीएम का खेल है, बहुत बड़ा खेल है। खेला है तो विपक्ष क्यों नहीं इस पे आवाज़ उठाती है ठीक से? हर विपक्ष आवाज़ उठा रही है, पूरे देश में हंगामा है। आप चले जाओ दिल्ली में, चाहे राष्ट्रपति भवन पर देख लीजिए, चाहे वोट क्लब पर देखिए, चाहे महाराष्ट्र में आप हाई कोर्ट के सामने देखिए, कोई ऐसा प्रदेश नहीं है जिस प्रदेश में हंगामा नहीं है। लेकिन आपके मीडिया के लोग दिखाना नहीं चाहते हैं, इस पर बहस नहीं करना चाहते। विपक्ष तो चिल्ला रहा है, अगर मोदी जी बड़े शक्तिशाली हैं, इनको जनता स्वीकार कर रही है तो ईवीएम से करा कर देख लें। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जितनी भी हैं वो आपको वर्क करके देंगी, बट उनके साथ एक क्वेश्चन लगा रहता है कि ऑल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आर नॉट परफेक्ट, कैन बी मिस यूज, और एनीबडी कैन डू मिस यूज ऑफ एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। आप घड़ी देखते हैं,
टाइम बदलते रहते हैं, टाइमर आप लगाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ही तो है, फाइलें कंप्यूटर पे आप काम करते हैं, मैनेज करते हैं, वो सब मैनेज होती हैं, आपको जिस तरह की रिपोर्ट चाहिए उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, वो सब होता है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में सॉफ्टवेयर चिप्स सब लगा हुआ है और कोई भी प्रोग्राम बंदा बिना टाइमिंग के नहीं लगता, टाइमर उसमें ऑटोमेटिक फिक्स हो जाता है, फिक्स है, कोई प्रोग्राम बना रहे टाइम से ही प्रोग्राम बनता है मैन, और वो एग्जीक्यूट भी टाइमिंग के हिसाब से होता है। अगर आपको फाइल भी देखनी है टाइम से ही देखिए, और टाइमर जब लगा हुआ है तो ऑटोमेटिक आप टाइमर से तो आप एक घंटे बाद मैनिपुलेट कर सकते हैं, 24 घंटे के बाद कर सकते हैं, एक महीने के बाद भी मैनिपुलेट कर सकते हैं, वो तो टाइमर लगा हुआ है। और टाइमर में आप 10% ऑफ ऑल कैंडिडेट्स वोट्स अदर्स पार्टीज एनी पार्टीज उसका 10% आप विड्रॉ करके आप अपनी पार्टी में ट्रांसफर कर सकते हैं। मतलब आपको लगता है कि ऐसा है? मैं तो 5 साल से कह रहा था इसमें, ये तो आज कोई मेरे लिए नई बात है ना, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बिल्कुल और ईवीएम बिल्कुल भी रिलायबल है ही नहीं। आ तो सिविल सोसाइटी सड़क पे आ चुकी है, सुप्रीम कोर्ट के वकील बाहर आ चुके हैं, स्टेट से ईवीएम के अगेंस्ट इतना आंदोलन हो रहा है और कहा जा रहा है तो अरे आपको ईवीएम भी लगाना लगाइए ना, वीवीपैट से जो इंडिविजुअल जो स्लिप्स निकलती हैं उसकी काउंटिंग भी तो कराइए बॉक्स में, कौन सी दिक्कत है? अभी रिजल्ट कोई 2 घंटे में तो दे नहीं रहे हैं आप, अभी तो महीने महीने बाद तो रिजल्ट देते हैं, कौन सी बड़ी बात है, कौन सी आप बहुत बड़ी तीर मार रहे हैं? चुनाव आयोग, चुनाव आयोग जो सफाई दे रहा है और शहर शहर में अपनी गाड़ी चला रहा है, उस गाड़ी को चलाने की क्या जरूरत थी उसे, जब आपको इसका मतलब ये आपके आपके दाल में काला है या आपकी कहीं ना कहीं दाग है, कहीं आप झूठ छिपा रहे हैं उस मशीन को लेके, आप प्रचार क्यों कर रहे हैं? जनता जो चाहती है कि ईवीएम मशीन इज नॉट ए रिलायबल सोर्स ऑफ फॉर वोटिंग, सीधी सी बात है, तो इलेक्शन कमीशन को सफाई देने की क्या जरूरत पड़ गई है? तो देखा आपने जनता ने क्या कहा, ये जनता की सोच है, जनता की राय है, जनता ने ये बताया कि वाकई वो ईवीएम के बारे में क्या सोचती है, आप क्या सोचते हैं सोचिएगा जरूर। अब आप ये सोचते होंगे कि दिल्ली पंजाब बंगाल में क्यों ईवीएम क्या खेलने चला, भाई बेईमानी के भी कुछ नियम होते हैं। वैसे मैं ये नहीं कहता, मैं ये जानता हूँ कि जब आदमी कोई ताश के पत्ते में बेईमानी करता है ना तो हर बार जीतता नहीं है, हर बार जीत जाता है ना तो उसके पर आरोप लग जाता है और लोग समझ जाते हैं, फिर बेईमानी उसकी टिक नहीं पाती, तो ये सब चीज़ें हैं। अब मैंने ये सब कुछ नहीं कहा है, मैं तो ताश की बात कर रहा था। आप सोचिएगा जरूर कि ईवीएम में खेला है कि नहीं है। आज के लिए इतना ही, लिखिएगा जरूर। कैमरा पर्सन फिर से हमारे साथ विक्की हैं और मैं हूँ तुषार शर्मा, नमस्कार।